हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल एकलव इंजीनियरिंग। मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे, आप सबका स्वागत करता हूं। अपना डॉम का कोर्स चालू है, मॉड्यूल नंबर 2, फ्री अनडैम वाइब्रेशन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू कवर द न्यूमेरिकल्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड सम ऑन मिसेलिनियस। सो लेट्स स्टार्ट से मॉड्यूल नंबर 2 एंड टाइप नंबर 6, मूविंग ऑब्जेक्ट। सो गाइस, यहाँ पे देखो, सबसे पहले डायग्राम को केयरफुली देखो, क्या क्या है यहाँ पे। आई थिंक एक मूवेबल ऑब्जेक्ट है जो कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग्स के साथ। देर आर टोटल 3 स्प्रिंग्स, ओके। टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड अनदर वन इज कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। इज देर एनी टाइप ऑफ डैम्पर? वहाँ पे डैम्पर मेंशन किया है। इज देयर एनी टाइप ऑफ विस्कस फ्लूड? नथिंग। वहां पे फ्रिक्शन। अभी गाइज, ये सेम न्यूमेरिकल ना फ्री डैम्प में भी आ सकता है, फ्री अनडैम्प में भी आ सकता है। यहाँ पे नोट करो कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, बट देर इज नो एनी फ्रिक्शन। वहां पे फ्रिक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है। सो यहाँ पे फ्रिक्शन मेंशन नहीं है, सो इट्स अ फ्री अनडैम्प वाइब्रेशन। अगर इनके सेम डायग्राम में सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन मेंशन किया है, तो वो क्या होगा? फ्री डैम वाइब्रेशन मींस नेक्स्ट मॉड्यूल, ओके। सो आपको केयरफुली देखना है। चलो, चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया। चैप्टर आइडेंटिफाई होते मुझे पता है यहाँ पे 2 मेथड्स होता है, एक एनर्जी होता है, दूसरा रेलिग मेथड होता है, सॉरी एनर्जी मेथड होता है, न्यूटन्स मेथड होता है। सो आपको नाइचर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है। गाइस, सबसे पहले अभी यहाँ पे आपको एक काम करना होगा कि ये कनेक्टेड है कैसे, पैरेलल में और ये सीरीज में। तो इन तीनों का हमें कन्वर्जन करना है और एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग हमें में इसमें कन्वर्ट करना है। सो एक मास होगा, एक स्प्रिंग होगी, और आपको क्या निकालना है? ओमेगा एन, एफ एन एंड टाइम पीरियड टी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्जन किया एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग में, तो उसको मैंने बोला के ई करके। सो यहाँ पे लिखा तो नहीं है, ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग है। के ई, तो वो के ई कैसे किया वो हम चेक करते हैं। ओके, वहाँ पे जो 2 पैरेलल स्प्रिंग्स थी उसका कन्वर्जन किया। और अगर आपको पता होगा कि डॉम में एग्जैक्टली उल्टा होता है, सीरीज में होता है तो हम इनवर्स में लेते हैं और पैरेलल में होगा तो एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे जो पैरेलल में था, तो के प्लस के मुझे मिला 2 के, तो मुझे एक इक्विवेलेंट मुझे मिला। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो 2 स्प्रिंग था उसका कन्वर्जन हमने किया पैरेलल में जो था, तो उसको मैंने के इक्विवेलेंट बोलता हूँ। सो इसको मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको K1 बोलता हूँ। के प्लस 2 के, तो 2 के मुझे मिला। फिर अभी आपके पास एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग है और दूसरा वो नॉर्मल वाला स्प्रिंग है। सो इसको मैं के इक्विवेलेंट 1 और दूसरे को मैं के बोलता हूँ। बट अभी भी वहां पे कितने 2 स्प्रिंग्स अभी भी अवेलेबल है, सो उनका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो फाइनली जो मुझे मिलेगा वो उसको मैं के इक्विवेलेंट बोलता हूँ। तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट प्लस 1 अपॉन के, बट के इक्विवेलेंट कितना था? 2 के था। सो वहां पे 1 अपॉन 2 के प्लस 1 अपॉन के, सो क्या होगा? के प्लस 2 के, 3 के होगा, डिवाइड बाय 2 के स्क्वायर। सो के विल गेट कैंसिल, बचेगा 3 बाय 2 के। बट सीरीज में क्या था इसलिए ये 1 अपॉन था, इसको भूलना मत। सो ये 1 अपॉन था, तो मुझे के क्या मिलेगा फाइनली? सो के मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, के क्या रहेगा मेरा फाइनली अगर मैं इसका इन्वर्स करता हूँ तो? 2K/3, 2K/3। सो ये आपका क्या रहेगा, के इक्विवेलेंट। गॉट इट? सो चलो, कन्वर्जन भी हो गया। अभी आपको क्या करना है, उसको डिस्टर्ब करना है। सो मैंने क्या किया, उस व्हीकल को डिस्प्लेस किया। कहाँ पे?
इस डायरेक्शन में, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, तो मुझे बताओ अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो इसका ये नया पोजीशन है, ओके। बट डिस्प्लेस तो मैंने उसको हॉरिजेंटली किया है, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स करके, सो डिस्प्लेसमेंट जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है, पर जो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा वो डिफ्लेक्शन अलग रहेगा, तो उसको हमने बोला डेल्टा। गाइस ये एक्स हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है, व्हीकल का डिस्प्लेसमेंट है, बट जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ वो ऑफकोर्स अलग रहेगा, तो वो क्या रहेगा, डेल्टा, क्योंकि वो स्लैंटेड पर्टिकुलर एंगल के साथ वो कनेक्टेड है। सो एक्स और डेल्टा क्या रहेगा, अलग रहेगा, गॉट इट। सो अगर मेरा स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन डेल्टा है, इसको मैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन नहीं बोलूंगा, इसको जस्ट नेमिंग के लिए मैंने डेल्टा बोला हुआ है। सो अगर इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा है तो मेरा स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा, एफ एस इज इक्वल टू के एक्स होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, के डेल्टा, बट के क्या रहेगा, के इक्विवेलेंट रहेगा। सो यहाँ पे मुझे मिला और स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ था, सो वो रिटर्न जाने के लिए ट्राई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या रहेगा, के डेल्टा। वो कैसे जा रहा है, अपवर्ड में जा रहा है, फाइन। और मैंने व्हीकल को राइट साइड में शिफ्ट किया था, सो इनर्शिया फोर्स जनरेट होगा कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। सो दो ऑब्जेक्ट थे, दो फोर्सेस जनरेट हो गए, गॉट इट। इसमें कुछ डाउट है, ओके। सो अभी एक काम करते हैं, देखो इनर्शिया फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, बट मेरा जो ये है ना के डेल्टा, वो एक पर्टिकुलर एंगल के साथ जा रहा है, तो क्या मैं इन दोनों के साथ एट अ टाइम डील कर सकता हूँ, नहीं पॉसिबल है। सो के डेल्टा का सिचुएशन ऐसे है, सो के डेल्टा जा रहा है विथ एंगल अल्फा के साथ, तो मैं इसको काम करता हूँ, उसको क्या करता हूँ, रिजॉल्व करता हूँ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। सो ये था के डेल्टा, के ई डेल्टा, और यहाँ पे एंगल था अल्फा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, के ई डेल्टा कॉस अल्फा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, के ई डेल्टा साइन अल्फा। सो के डेल्टा कॉस अल्फा, के डेल्टा साइन अल्फा, क्योंकि एम एक्स डबल डॉट अगर हॉरिजेंटल जा रहा है तो मुझे भी हॉरिजेंटली कंपोनेंट यूज करना है, मैं उसको के डेल्टा को नहीं यूज कर सकता। और गाइज ये जो के डेल्टा साइन अल्फा है उसको बैलेंस कौन करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। सो मुझे इसका कोई यूज नहीं है, मुझे सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट कंसिडर करना है। सो अगर मैं न्यूटन्स मेथड यूज करता हूँ, अगर मैं न्यूटन्स मेथड यूज करता हूँ तो देखो दोनों भी कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो मैं लेफ्ट साइड में जाने वाले फोर्सेस को मैं पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ। सो समेशन ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 एम एक्स डबल डॉट प्लस के डॉट के डेल्टा के ई डेल्टा कॉस अल्फा को। सो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसिडर किया इज इक्वल टू 0, बट अभी मुझे क्या करना है, डेल्टा को देखना है, तो डेल्टा कहाँ से मिलेगा, तो वो ऊपर से मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे किया क्या एग्जैक्टली, सपोज मैं यहाँ पे दूसरा एक कलर यूज करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो व्हाट हैपन, तो वैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, वो ट्रायंगल ऐसा है, वो ट्रायंगल का बेस इंडिकेट करता है एक्स को, और ये है परपेंडिकुलर, सो यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये जो इंडिकेट करता है साइड डेल्टा को, और यहाँ का जो वो क्या था अल्फा, जिस अल्फा के जहाँ पे स्प्रिंग अटैच है, सो कैन आई से
कॉस अल्फा, देखो हाइपोटेनस एक्स है और एडजेसेंट डेल्टा है, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, सो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा। ओके सो गाइज, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली सेम न्यूमेरिकल आता है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, बाहर करके रखो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा को रिप्लेस करना है एक्स कॉस अल्फा, बट ऑलरेडी कॉस अल्फा है सो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। सो बाद में क्या करना है आपको, तो यहाँ पे मुझे उस फॉर्मेट में लाना है एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स। सो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक्स को बाहर निकालता हूँ ब्रैकेट के बाहर, तो मुझे क्या मिलेगा, के ई कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर क्या किया, एम से डिवाइड किया, फिर कंपेयर किया, सो मुझे ओमेगा एन क्या मिला, अंडर रूट ऑफ के ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन एम, बट के ई क्या था, टू के अपॉन थ्री। हमने जस्ट ऊपर अभी देखा था ना, यहाँ पे के इज इक्वल टू टू के अपॉन थ्री दिस वन, सो यहाँ पे लिख दो। सो आपको क्या मिलेगा फाइनली, 2k cos square alpha upon 3m। सो आप एफ एन भी निकाल सकते हो, डिवाइड बाई 2 पाई करके टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज अभी इतना कुछ नहीं करना है, तो वहाँ पे दो कंपोनेंट थे, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग था एक मास था, बट इक्विवेलेंट स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन था वो डेल्टा था, वो याद रखना। सो यहाँ पे अगर इनर्शिया फोर्स में कंसिडर कर, सॉरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसको है, मास को है, मास तो एक ही है, सो हाफ ऑफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का हाफ के एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर था क्या, नहीं, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या था, डेल्टा था, सो के ई डेल्टा स्क्वायर। बाद में डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, एक्स कॉस अल्फा, सो वो मैंने रिप्लेस कर दिया, सो स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। देन फाइनली क्या किया, फिर डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या मिला, हाफ एम एज इट इज टू एक्स डॉट एक्स डबल डॉट, यहाँ पे हाफ के ई कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो टू एक्स एक्स डॉट, टू 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 कैंसिल होगा, एक्स डॉट कैंसिल होगा, बचेगा क्या, एम एच डबल डॉट। फिर बाद में क्या करना है, एम डिवाइड करना है, फिर बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन के साथ आपको कंपेयर करना है, और फिर फाइनली ओमेगा निकलना है। सो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके सो एक बार इसका प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट अभी देखो ये न्यूमेरिकल, यहाँ पे नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना है, एक व्हीकल है जो अपवर्ड स्लोप में ऊपर जा रहा है, ओके कल्याण का जा रहा, या तो फिर कल्याण कर चौथ के ऊपर। सो यहाँ पे आप एक बोगी है जिसको स्प्रिंग ने हैंग पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, बट आप मुझे बताओ कि डायग्राम देखने के बाद यहाँ पे कोई डैम्पर दिख रहा है आपको, नहीं, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, सो फ्री अनडैम्प वाइब्रेशन। सो अभी मुझे आप बताओ कि यहाँ पे ऑलरेडी एक पर्टिकुलर स्लोप पे व्हीकल है, व्हीकल को स्प्रिंग ने पकड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता वो बेचारा बोगी ट्राई करेगा नीचे आने के लिए बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, तो हमें उसको कंसीडर करना है इनिशियली। मैंने डिस्प्लेसमेंट अभी तक दिया नहीं है, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो बोगी नीचे आने के लिए ट्राई करेगा, तो वो कैसे कंसिडर करते हैं वो देखते हैं। सो उसका सी जी से मैंने क्या निकाला, एम जी, ओके एग्जैक्टली डाउनवर्ड में एम जी एक्ट करेगा, तो एम जी को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, एम जी साइन अल्फा एम जी कॉस अल्फा। अभी बच्चा पूछेगा कि यहीं पे अल्फा क्यों लिया, यहाँ पे अल्फा क्यों नहीं लिया, तो गाइज देखो इस बोगी का सरफेस क्या था, ये था, सो मैं आपको कलर से दिखाता हूँ, इस बोगी का सरफेस क्या था, ये था, ओके सो आपको मैंने पहले भी बोला था कि सरफेस के पैरेलल में नहीं लेना है एंगल, परपेंडिकुलर के साथ लेना है, तो इस सरफेस को पैरेलल जो कंपोनेंट है ये है, तो उसके साथ मुझे नहीं लेना है, मुझे इस सरफेस को परपेंडिकुलर के साथ एंगल लेना है, सो यहाँ पे मुझे अल्फा मिलेगा। सो ये क्या होगा, एम जी कॉस अल्फा, ये क्या होगा, एम जी साइन अल्फा। सो देखो स्प्रिंग ने अभी भी उसको होल्ड करके रखा है, इट मीन्स एम जी साइन अल्फा को स्प्रिंग अभी भी बैलेंस कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो डाउनवर्ड में खींचा जा रहा है, तो स्प्रिंग में क्या जनरेट होगा, स्टैटिक डिफ्लेक्शन डेल्टा एच टी, तो स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा, के एक्स होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स होता है, बट यहाँ पे एक्स हो रहा है क्या, नहीं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन हो रहा है, सो के डेल्टा एच टी, सो एम जी साइन अल्फा इज नथिंग बट के डेल्टा एच टी। सो आगे जाके मुझे ये इक्वेशन यूज होगा, गॉट इट। फिर अभी क्या करना है, फिर अभी उसके साथ मस्ती करनी है, फिर अभी क्या करना है आपको, और थोड़ा उसको डाउनवर्ड में खींचना है, पुल करना है एक्स से। सो ऑलरेडी वहां पे
डिफ्लेक्शन था और मैंने उसको और ज्यादा नीचे खींचा, तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना हुआ स्प्रिंग में, के डेल्टा एच टी प्लस एक्स, राइट। मैंने उसको डाउनवर्ड में पुल किया तो इनर्शिया फोर्स अपवर्ड में प्रोड्यूस होगा, वो क्या रहेगा, एम एक्स डबल डॉट, एम जी साइन अल्फा में कुछ चेंज नहीं होगा, वो तो नेचर का है, वो एक्ट करते ही रहेगा। सो यहाँ पे टोटल कितने सारे है, देखो एक मास है, एक स्प्रिंग है, एक ग्रेविटेशन फोर्स है, तो इनर्शिया फोर्स क्या रहेगा, एम एक्स डबल डॉट, जो कि अपवर्ड में जा रहा है। इसके अलावा जो भी होगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, सो के डेल्टा एच टी प्लस एक्स, वो भी अपवर्ड में जा रहा है तो वो भी पॉजिटिव, बट एम जी साइन अल्फा है वो दूसरी तरफ जा रहा है, सो वो माइनस एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, के डेल्टा एच टी प्लस के एक्स माइनस एम जी साइन अल्फा, बट आपने अभी अभी देखा है एम जी साइन अल्फा के डेल्टा एच टी क्या है, सेम है, एम जी साइन अल्फा के डेल्टा एच टी सेम है, सो बचेगा क्या, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके फिर क्या करना है, एक्स को डिवाइड करना है, सॉरी एम से डिवाइड करना है, फिर कंपेयर करना है, सो ओमेगा एन स्क्वायर इज नथिंग बट के बाय एन, सो ओमेगा एन इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। ओके बट के अपॉन एम भी आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे हमने देखा था जो इनिशियल इक्वेशन मिला था एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू के डेल्टा एच टी, सो के अपॉन एम क्या हो सकता है, जी साइन अल्फा अपॉन डेल्टा एच टी भी हो सकता है, सो ये भी आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी देने के लिए मदद करेगा। ये समझाए ये कहाँ से आया। ओके नेक्स्ट, सबसे मुझे तो सबसे बेस्ट मेथड तो यही लगता है एनर्जी मेथड, डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कुछ सोचना ही है, मास कितना है एक ही है, सो काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा एक ही रहेगा, स्प्रिंग कितना एक ही है, सो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा एक ही रहेगा, सो हाफ ऑफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ओके सो एम और हाफ को बाहर निकाल दो क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो घर का नहीं है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, करना किसको, एक्स स्क्वायर को, सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, टू एक्स एक्स डॉट, फिर हाफ के को बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो क्या बचेगा, टू एक्स एक्स डॉट, सो टू 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 कैंसिल होगा, एक्स डॉट कैंसिल होगा, बचेगा क्या, ये इक्वेशन, फिर डिवाइड बाय मास करो, फिर कंपेयर करो, देखो आंसर फाइनली सेम ही आना चाहिए, मेथड कोई भी यूज करो, अगर सेम नहीं आता है इसमें से आपने कहीं पे तो गलती की है। ओके ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल, गाइस यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिया है और बोला क्या है, यहाँ पे एक ड्रम है हाफ सेक्शन में कट किया हुआ, ये जो सेमी सर्कल है ना वो एक ड्रम है जिसका रेडियस है आर, और ऊपर मस्ती करने के लिए बच्चों ने रखा एक फली, एक उड़न का। ओके वो उड़न का और सेमी सर्कल का एक पॉइंट के साथ ही सिर्फ कांटेक्ट है। ओके फिर अभी आपको क्या करना है, उसको धक्का मारना है, फोर्स अप्लाई करना है, मस्ती करनी है उसके साथ, बट इतना ख्याल रखना कि वो ना सिर्फ ऑसिलेट हो, वाइब्रेट हो, बट वो नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सारा गिर के नीचे आ गया, सो ये नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ उधर ही उसने ऑसिलेट होना चाहिए, और फिर आपको फाइंड आउट करना है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना इंटरेस्टिंग। ओके सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं उटपटांग, और सही में बोलूँ कि यहाँ पे उटपटांग ही सोच होनी चाहिए तो जाके सॉल्व होगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली डीप में जाओगे तो खो जाओगे। सो यहाँ पे नीचे गिरना नहीं है तो क्या होगा, सिचुएशन ऐसे कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो सी जी है, देखो गिरना नहीं है, उसका सरफेस कॉन्टैक्ट पॉइंट हार्डली कुछ एमएम से ही शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा शिफ्ट हो गया तो वो नीचे स्लिप होगा या तो फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके सो फॉल हो जाएगा, सो अगर मैं उसके साथ मस्ती करता हूँ तो उसका सरफेस कांटेक्ट यहाँ के बजाय काफी स्मॉल डिस्टेंस से वो शिफ्ट होगा। ओके सरफेस कांटेक्ट, बट सीजी वो ऑलमोस्ट उधर ही टच में रहेगा, काफी कम डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, तब जाके वो बैलेंस होने वाला है। सो यहाँ पे एम जी डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, वो तो बेचारा उधर ही एक्ट करेगा, तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे टेकिंग अ मोमेंट अबाउट अ सरफेस कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो यहाँ पे सरफेस कॉन्टेक्ट पॉइंट के साथ आपको क्या लेना, टेकिंग अ मोमेंट लेना है। सो यहाँ पे सिचुएशन कैसे है, ऐसा कुछ। ओके सो यहाँ पे एंगल है थीटा, ये रेडियस है आर,
सो ये डिस्टेंस कितना आएगा, कितने से, मतलब यहाँ पे पहले सरफेस कॉन्टैक्ट पॉइंट था और अभी ये यह यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, आर थीटा। ओके, तो यहाँ पे इसका फोर्स ये एम जी, सो मैंने उसको क्या किया था, थीटा एंगल से मैंने क्या किया था, उसको क्लॉकवाइज शिफ्ट किया था। तो आई थीटा डबल डॉट जनरेट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, आई थीटा डबल डॉट। ओके, सो इनर्शिया फोर्स कपल हो गया, तो एक्सटर्नल का काम कौन करेगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा। सो नाउ टेकिंग अ मोमेंट, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, टेकिंग अ मोमेंट अबाउट अ सर्फेस कॉन्टैक्ट पॉइंट, सर्फेस कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है, सो इन दोनों के बीच में, सो ये भी अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए साइन प्लस एम जी इंटू डिस्टेंस कितना है, आर थीटा, सो एम जी आर थीटा इज इक्वल टू जीरो। फिर मुझे कंपेयर करना था इसलिए मैंने थीटा को जरा बाहर रख दिया। ओके, फिर क्या किया, डिवाइड बाय आई किया, फिर फाइनली आपको कंपेयर करने के बाद ओमेगा एन क्या मिलेगा, एम जी आर अपॉन आई। गाइस ये जो न्यूमेरिकल है ना, अगर आप किसी भी बुक में जाओ एनर्जी मेथड से सॉल्व करते हो ना, तो सिर्फ इतने में सॉल्व होगा। वो एक काम करो, किसी टेकमैक से तो फिर किसी रेफरेंस बुक को ओपन करो और न्यूटन्स मेथड का देखो, 2 से 2.5 पेजेस वहाँ पे उन्होंने यूज करके फिर फाइनली ये स्टेप्स निकाला हुआ है। सो जितनी जिसकी औकात है उतना ही लिखना है, जिसके जितना वेटेज है बस उतना ही लिखना है। टीचर्स को जरूरी होता है फाइनल आंसर और फाइनल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सही है ना, काफी है। आपने 2 पेजेस भर के लिखे फिर कोई टीचर 5 मार्क्स की जगह पे आपको 50 मार्क्स देने वाला है नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। सो मैं बोलूंगा कि ऐसे सिचुएशन में आप एनर्जी मेथड से उसको सॉल्व करो, ना कि न्यूटन्स मेथड से। ओके, आई होप अभी तक का सारे टाइप सबको समझे होंगे। सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार अपने हाथों से प्रैक्टिस करो, और जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ वो तो पक्का प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो इसमें कवर नहीं होगा वो वहाँ पे कवर होगा। अगर उसमें कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सेशन में उसको डाउट को क्लियर करेंगे। बट गाइस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ये पढ़ के नहीं होने वाला, ये एक रात में सब्जेक्ट निकलने वाला नहीं है, इसको एंजॉय करो तो जाके ये सॉल्व होगा। एंड डोंट टेक अ बर्डन कि मुझे भाई डॉम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पक्का निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, पक्का निकलेगा। उनको जो पूछना है वो पूछो, बट करना वही है जो आप प्रॉपरली प्रिपेयर होके जाते हैं, बट उसे अच्छे से प्रेजेंट करना ज़रूरी है। और एज ए स्टूडेंट की मेंटेलिटी से लिखने से बेटर है कि टीचर की मेंटेलिटी से लिखो, क्योंकि अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मुझे मेरी थिंकिंग से नहीं चलना है, मुझे मेरे क्लाइंट की थिंकिंग से चलना है कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है। बस यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है, टीचर को क्या चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, इसका वेटेज कितना है, सो मुझे उसको कितना रिप्रेजेंट करना है वो ज़रूरी है। ओके, सो गाइज वी विल स्टॉप हियर। अगर आपको कुछ डाउट है तो बेशक मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इंकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोज बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूँगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है
डिजिटल एकलव इंजीनियरिंग में हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोज भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीस भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।